राम राम दोस्तों आज मैं आपके लिए एक कंप्यूटर का सेट लेके आया हूँ तीस क्वेश्चन का और जैसा कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर का अपना एक प्रत्येक परीक्षा में अपना एक अलग ही विशेष महत्व होता है हर परीक्षा में दस या पंद्रह क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं इससे और दिल्ली पुलिस में इससे दस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ऐसा मान के चलिए कि जो मैं ये तीस क्वेश्चन का सेट लेके आया हैं इनमें से दो क्वेश्चन तो आने वाले हैं चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन अपना उन्नीस सौ इकहत्तर में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था तो ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर ने किस जो माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था कौन सा इंटेल उन्नीस सौ में बनाया था रही है ठीक है अगला क्वेश्चन है ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें दो या दो से अधिक सीपीयू हो हों उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसर अच्छा अगला चलते हुए प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है ये करता है सिस्टम सा, का, सिस्टम कॉल चलते हुए प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अगला क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है ये यह लिखा जाता है सी प्लस प्लस अच्छा फिर है कैसे मेमोरी क्या है सी पी यू मेन मेमोरी के बीच स्थित तेज मेमोरी कई बार इससे भी एक प्रश्न पूछा पूछा जाता है कि जो मतलब ये मेमोरी होती है इसको बढ़ते हुए क्रम में स्पीड के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए तो उसमें एक नंबर पर यही आएगी इससे फिर आगे जैसे हो गई रैम हो गई फिर रोम ऐसे अगला क्वेश्चन है दो अलग अलग संसार की सुविधाओं को जोड़ने वाला प्रोग्राम क्या होता है ये होता है गेटवे। अच्छा कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है ये है व्यवसायिक कार्यों के लिए अच्छा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज कंप्यूटर कौन सा है सर्वाधिक तेज कंप्यूटर कौन सा है तो ये सभी को पता होगा कि सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर अच्छा सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन सा है यह है लेजर प्रिंटर अगला क्वेश्चन है किस नेटवर्क में नेटवर्क वायरों के सीरे टर्मिनल से जुड़े अच्छा अगला क्वेश्चन है किससे किससे टेक्स्ट को विभिन्न रंगों व आकार के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है ये है वर्ड आर्ट और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया था अच्छा अगला क्वेश्चन है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर आसानी से मिल जाता है उसे कहते हैं पैच ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर आसानी से मिल जाता है उसे पैच कहते हैं इंटरनेट पर फ्लेमिंग सबक का क्या है? गाड़ी लेने के गाड़ी के लिए मतलब गाड़ी के लिए यूज़ किया यूज जाता है फ्लेमिंग अच्छा अनचा ईमेल जो अपने पास ईमेल आती है, जैसे ऐड किसी न, मतलब जैसे ये अमेजोन वाली आ गई या फिर और कोई फ्लिपकार्ट ये इनसे जो ऐड आती है ना वो स्पैम बोल सकते हैं हम इसे अच्छा अगला क्वेश्चन है वैन प्रणाली में नियंत्रक अथवा केंद्रीय कंप्यूटर को क्या कहते हैं इसे कहते हैं होस्ट अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है बूटिंग करने के लिए हमें कंट्रोल एल्ट प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ पंचानवे अच्छा डोस और विंडोज़ क्या है यह है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा देश का पहला कंप्यूटराइज डाकघर कहाँ पर बना था ये दिल्ली में बना था अच्छा अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है ये है द हिंदू अच्छा अगला क्वेश्चन है देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है तमिल अगला क्वेश्चन भारत में खोजा गया पहला सु पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है और यह है भारत में खोजा गया पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है यह है सी ब्रे सी ब्रैंड एक पाकिस्तानी था उसने बनाया था अच्छा अगला क्वेश्चन है इंजन का आविष्कार अविष्कार चालस ने कब किया था 1822 और एनालिटिकल इंजन इसका 1833 में किया था दस साल जस्ट दस साल बाद इसका आविष्कार कर दिया था अगला क्वेश्चन हमारा विश्व की पहली प्रोग्रामर कौन थी अड़ा अगस्टा ये क्वेश्चन हर बार दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है हर बार पूछा जाता है अच्छा अगला क्वेश्चन है यूट्यूब के संस्थापक कौन है जावेद करीम यूट्यूब के संस्थापक हैं जावेद करीम टेलीग्राम ऐप किस देश का रूस टेलीग्राम ऐप है का। अगला क्वेश्चन है गूगल का मुख्यालय कहां पे है गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में अच्छा अगला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है ये है अपना फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है यूनिवेक अच्छा इससे अगला लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं इनपुट कोई भी अगर हम इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट आउटपुट हमें मिल जाएगा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करने का मन करे तो शेयर कर देना थैंक यू